नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है यश जाट और इस वीडियो में हम ट्रैक्टर से चलने वाले मिनी हार्वेस्टर के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हार्वेस्टर है वो गेहूं की जो फसल है वो किस तरीके से कटाई कर रहा है वो भी हम देखेंगे, और इसमें किस तरीके का जो दाना है वो निकल रहा है, भूसा किस तरीके से निकल रहा है, कितनी ऊंचाई पर काट रहा है। साथ ही इसके मालिक से हम चर्चा करेंगे कि उनका जो ट्रैक्टर है कितना डीजल ले रहा है, कितने समय में काम हो रहा है, उन्होंने कहां से ख़रीदा, क्या इस पर कोई सब्सिडी है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि इस वीडियो के नीचे आए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि ट्रैक्टर से जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो गेहूँ की फसल काट रहा है वो किस तरीके से इसमें कटाई हो रही है। नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है यश जाट, और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम
बात करेंगे मिनी हार्वेस्टर की, जो कि ट्रैक्टर पर चलता है और जिससे गेहूं वगैरह जो फसलें हैं वो निकाली जाती है। आज हमारे साथ है हमारे मित्र रवि भाई, रवि जी माली, जो कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था हार्वेस्टर ये चला रहे थे और जॉन डियर के 50-45D पर चला रहे थे, जो कि 45 HP का ट्रैक्टर है। तो हम रवि भाई से जानते हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। रवि भाई स्वागत है आपका। नमस्ते सर। रवि भाई आप हमें ये बताइए कि ये जो हार्वेस्टर है आपने कितने में लिया? ये सर 5.5 लाख में लिया। अच्छा, इस पर कोई सब्सिडी वगैरह भी ली आपने? नहीं मिलेगी इस पर सब्सिडी सर। सब्सिडी नहीं मिली। मैंने सुना है कि जो 55 HP वाले ट्रैक्टर है उन पर अधिकतर मिनी हार्वेस्टर चलता है, इस पर ज़्यादा सक्सेस है। हाँ, और आप इसमें 45 पर चला रहे? 45 पर चला रहे, 4x4 है ये जी, और 45 HP है जी, और चल अच्छा रहा है जी, एवरेज भी अच्छा है इसका। क्या एवरेज दे रहा है ये? एक घंटे में 1 बीघा निकाल रहा है। अच्छा, और डीजल एवरेज इसका सर 5 लीटर है प्रति घंटे का। प्रति घंटा 5 लीटर ये खाएगा। कितने RPM पर इसको चलाना? 1500 RPM पे चलाना पड़ रहा है। 1500 RPM पर इसे चलाने के बाद आपको कोई दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं आई है, सूखा माल चाहिए इसमें जी, गीले माल में परेशानी आती है। अच्छा, कहाँ से आपने इसको खरीदा? ये पंजाब से खरीदा। पंजाब से। इसे चलाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह लेके? नहीं, ट्रेनिंग नहीं, हमने खुद नहीं चलाया। अच्छा अच्छा, और ये आपके जो व्यवसाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो? ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, छोटी खेती करने के लिए आदमी को कम पैसा लगाना पड़ेगा जी, कम HP पे भी चल जाएगा ये। कम HP पे चल जाएगा, ज़्यादातर जॉन डियर पे अच्छा चलेगा। जॉन डियर पे अच्छा चलता है। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइए आपने इस हार्वेस्टर के अलावा और भी देखे? हाँ, बहुत सारे देखे हैं, विकास वाला देखा है, बहुत सारे देखे हैं। अच्छा। बहुत सारी कंपनियों के जी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसमें फैसिलिटी अच्छी है, उसकी सफाई और काम का अच्छा अच्छा लुक है इसका। क्या ये सोयाबीन वगैरह भी काटते हैं? हाँ, ये सोयाबीन काटेगा, रायडा काटेगा, चना काटेगा जी। अच्छा अच्छा, इसे चलाते चलाते आपको कितना समय हो गया? मेरे को अभी 10 दिन ही हुआ है इसको चलाते चलाते। 10 दिनों में आपको इसमें कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेंटेनेंस कैसा लगता है? मेंटेनेंस बहुत लो मेंटेनेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको बोलना चाहते हैं कि इसमें की मशीन लाइए और कम खर्चे में अपना पूरा काम चलाइए। अच्छा, तो दोस्तों इसके बारे में हमने सर से जानकारी ली, रवि भाई से जानकारी ली इस हार्वेस्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर इसके रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम मिनी हार्वेस्टर के ऊपर आप लोगों के लिए जल्द से जल्द रिव्यू लाएँ। दोस्तों इससे जुड़े अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए ट्रैक्टर के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।